हेलो दोस्तों, मैं रोशन शाह ऑटो गैरेज से। ये गाड़ी टोचन मार के आई है हमारे पास। ये गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन रेस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि एयर फिल्टर फट गया है या हॉर्स पाइप निकल गया है। अब हम सब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी को। ये क्या प्रॉब्लम है मुझे तो मालूम है, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है इस तरीके से हम लोग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले अपने को कॉइल के वायर भी चेक करना है, दोनों साइड के कॉइल के वायर। कि कोई कॉइल का वायर भी निकला रहेगा तो करंट कम मिलने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, रेस नहीं होती है। देखिए ये दोनों लगा हुआ है। अब हम जाएंगे एयर फिल्टर की तरफ। ये जो है एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर के ढक्कन में एक टिकली लगी हुई रहती है। ये देखिए एयर फिल्टर का ढक्कन हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए निकाल लिया हमने एयर फिल्टर का ढक्कन और इसकी टिकली टूट के गिर गई है। देखिए ये निकला हुआ यहाँ से, यहाँ पे टिकली लगती है एयर फिल्टर की। चलो हम लगाते हैं। ये मैंने एयर फिल्टर की टिकली ले लिया हूँ। ये देखिए ये टिकली वहाँ पे लगती है। ये देखिए इस तरह से ये पॉइंट अंदर की तरफ रहता है उसके लॉक होने के लिए। एक टेस्टर या पतला खिल्ला और थोड़ा सा ऑयल, अगर ये सब रहेगा तो फटाक से फिट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा ऑयल से लगा दूँगा उसको। ये देखिए उसके जो बारीक से जो डॉट होल है उसके ऊपर टेस्टर को अपने को रख के उसके बराबर से उसके होल पे मैच करके दबाना है। ये देखिए ये दबा दिया है मैंने, ये बैठ गया है। ये देखिए इस तरह से बैठता है। ये देखिए एकदम प्लेन, ये देखिए एकदम अच्छे से बैठ गया है। अभी हम जाके एयर फिल्टर के ढक्कन को लगा देंगे। किसी किसी को एयर फिल्टर का ढक्कन लगाने नहीं आता है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हूँ, वो भी हमारे उस पर जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए ये जो खाँचा है वो एयर फिल्टर का जो डब्बा है वहाँ पे एक खाँचा रहता है कट, उसके अंदर जाके फिट होता है वो। ये देखिए हमने घुमा के चेक किया, ये बैठ गया है। अब ये वन बाय वन करके अपने को लॉक लगा लेना है सब बारी बारी से। अभी चलो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। जिसने गाड़ी लाया था धक्का मार के उनसे पूछेंगे गाड़ी बराबर हुई कि नहीं हुई है। ये देखिए ओके हो गया गाड़ी। ओके चलो ओके बाय।